पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने कहा है कि भारत का एजेंडा कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक और शनाख्त से महरूम करना है, जो इंसानी हकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। अमरीका में तायुनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने कहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी और राम मंदिर का संगे बुनियाद 5 अगस्त को ही रखा गया है। मोदी हुकूमत के इस पैगाम से भारत की अकलियतों में गैर महफूज होने का एहसास पैदा हुआ। पाकिस्तानी सफीर ने इन ख्यालात का इजहार शिकागो में पाकिस्तानी काउंसलेट के जेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुनक़दा सेमिनार से खिताब के दौरान किया। तकरीब में असद मजीद के अलावा रुकने अमरीकी कांग्रेस स्टीव वॉटकिंस समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने कहा कि भारत का एजेंडा कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक और शनाख्त से महरूम करना है। नई दिल्ली सरकार का ये इकदाम इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है और ऐसी सूरत हाल में इलाकाई अमन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। असद मजीद ने कहा कि कौम मुत्तहदा और आलमी बरादरी को इस मसले का नोटिस लेते हुए इसके पुरअमन हल की राह निकालनी चाहिए, क्योंकि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जंग में पाकिस्तान अपने मजदूम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है और उन्हें किसी तौर अकेला नहीं छोड़ेगा। रुकने अमरीकी कांग्रेस स्टीव वॉटकिंस ने तकरीब से खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता एक बरस से कर्फ्यू समेत दीगर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जबकि इंसानी हकूक की तंजीमें भी इस पर मजम्मत का इजहार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर करते रहेंगे।